नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मच अवेटेड यात्रा। जी हां, जिस यात्रा का लंबे समय से जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी, वो इंतजार अब खत्म होने को है। कल से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा पर निकलने के बाद वो अपने कोर वोट बैंक को साधने का प्रयास करें। दरअसल लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन को उम्मीद थी, उस उम्मीद के हिसाब से फैसला नहीं आया। सवाल ये उठता है कि विधानसभा में हर हाल में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि 2020 में तेजस्वी यादव महज 12,000 कुछ वोटों से मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। अब तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद है कि जनता नीतीश कुमार से ऊब चुकी है और इसका फायदा उठाते हुए जनता को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए और इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। लेकिन तेजस्वी की इस सोच को और तेजस्वी की इस रणनीति को पलीता लगाने के लिए प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए। प्रशांत किशोर से किसको ज्यादा नुकसान होगा, किसको ज्यादा लाभ होगा, यह तो बात की बात है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर हमें डेंट पहुंचाएंगे। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर इसे ट्रायंगुलर फाइट बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन बड़ी चर्चा यह है कि आखिरकार तेजस्वी यादव किसको साधना चाहते हैं और वो क्या 5 मूल मंत्र है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। वो कौन सा आधार वोट बैंक है जिसको तो साधना चाह ही रहे, मजबूत करना तो चाह ही रहे, साथ में कुछ वैसे वोटर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पुख्ता तौर पर उन्हें पहुंचा सके। हम इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि एक बार फिर प्रशांत किशोर ने कैसे लालू प्रसाद पर आक्रमण किया है और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनके साथ हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे कि तेजस्वी की असली रणनीति क्या है और प्रशांत किशोर कैसे उनके लिए चैलेंजिंग बन रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। भाई, पैसे की भी जहां तक बात है तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पैसा दे के कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा देकर रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं, तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा दे के उसको रोक लीजिए। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, पहले पांडे से उसके बाद आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ नहीं। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो वो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से, जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे लालू जी ने उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाकर देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबू जी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना? नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे, तो हमको पांडे बता रहा है। कुछ किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। तो ये देखिए, प्रशांत किशोर किस तरीके से आक्रामक है, लेकिन प्रशांत किशोर की आक्रामकता का जवाब क्या तेजस्वी यादव बिहार की जमीन पर उतर करके देने वाले हैं? तेजस्वी यादव की यात्रा का मकसद क्या है? तेजस्वी यादव कौन से वोट बैंक को साधना चाहते हैं और प्रशांत किशोर उसमें किस तरीके से पलीता लगाना चाह रहे हैं?
कल नीतीश कुमार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अब 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब समझ लीजिए कि एनडीए जिस पर नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते रहे थे ये महागठबंधन के लोग, अब वो एनडीए के मुखिया जो कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 12 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। और लालू परिवार पर आक्रामक भी थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इन तमाम चीजों को कैसे काउंटर करेंगे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की दरअसल रणनीति क्या है, जो यात्रा वो शुरू कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है, उसको भी हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता जन स्वराज की प्रीति नंदनी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी आरजू खां, आपका स्वागत है प्रीति, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजू खान जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कल से आपके नेता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, इस यात्रा की चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, कहा जा रहा था कि 15 अगस्त के बाद कभी भी शुरू होगा। दरअसल इस यात्रा का मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, किसको साधना चाह रहे हैं आप? नेता जब यात्रा पर निकलते हैं तो उसका एक पर्पस होता है, बिहार में क्या बताना चाह रहे हैं आप ये बताइए, और जो आप बताना चाह रहे हैं उसके आड़ में किसको साधना चाह रहे हैं आप, आपकी नजर किस वोट बैंक पर है, जरा इस बात को समझाइए जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आशीर्वाद यात्रा है या फिर इस तरह के हमेशा वो जो है यात्राएं करते रहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये आपके लिए प्रमुखता का खबर हो सकता है या फिर और किसी एक्सट्रीम मीडिया वाले के लिए प्रमुख खबर हो सकता है, ये कोई नई चीज नहीं है हमेशा से। एक्सट्रीम मीडिया वाले, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज जी। जो बड़े बड़े चैनल्स वाले लोग हैं, मैं उन्हीं को एक्सट्रीम मीडिया कहता हूं। अच्छा ठीक, थैंक यू जी। और ये जो यात्राएं हैं, ये आज नहीं है, ये आज पहली मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी बिहार में पता नहीं कितने बार हो चुका है। तो अपने लोगों से मिलना अगर कोई गुनाह है तो कहिए हम यात्रा को रोक देंगे। अपने लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा करते रहे, आज भी करेंगे। रही बात दूसरा कि काउंटर हम किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर लोग काउंटर कर रहे हैं, लोग सवाल तरह तरह के उठा रहे हैं कि किसको साधना चाहते हैं, किसको मिलना चाहते हैं, हम किसी को साधते नहीं है। जैसे आप ले लीजिए नीतीश कुमार जी की बात, वो हमारे साथ आए जब जब उनको तकलीफ हुई, समाजवादी विचारधारा के नाते हम लोगों ने दामन फैला के कहा कि आपका स्वागत है, और जब भी वो बिहार में आए हमारे साथ ऐतिहासिक काम किया उन्होंने बिहार के लिए, चाहे शराबबंदी का मामला ले लीजिए, चाहे 10 लाख 5 लाख रोजगार का मामला, नियुक्ति पत्र जो गांधी मैदान में और बिहार के तमाम जिलों में जो बांटे गए, ये ऐतिहासिक था। जातीय जनगणना ऐतिहासिक था, और 75% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार बना, वो भी ऐतिहासिक था। तो मैं ये बता दूं कि ये सारी चीजें जो हुई, ये ऐतिहासिक काम जो है महागठबंधन की सरकार में हुई। अब सारे लोग हमारे ऊपर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सबको तकलीफ हमसे है, हमको किसी से तकलीफ नहीं है, सब लोगों को तकलीफ हमसे है, इसलिए वो हमारे ऊपर काउंटर करते हैं। अब इनको क्या कह सकते हैं। रही बात जन स्वराज की जो बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, हम जाति, मैं तो उनका नाम प्रशांत किशोर जानता हूं, पांडे तो आप लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। मैं उनके पिताजी के नाम के बाद पांडे जरूर सुना है मैंने, पर उनका नाम मैं प्रशांत किशोर ही जानता हूं। जिस तरीके से वो डिफेंस कर रहे हैं अपनी बात को कि हाँ मेरे पिताजी का नाम फला पांडे है तो मेरा नाम प्रशांत किशोर है, अगर कोई अगर कह देता है उनके पूरे नाम के साथ तो उनको आपत्ति क्यों है, सबसे बड़ी चीज ये होना चाहिए। और वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं, पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग, एक तरह से हम कहते हैं हमारे गांव देहात में कहलाता है कि एक तरह से ब्रोकरी का काम करने वाले लोग, उनको हमको उनसे क्या डर रहेगा, प्रदेश की जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ समझती है, उनसे हम क्यों घबराएं क्यों डरें, उनको जो करना है मोदी जी के आड़ में, भारतीय जनता पार्टी के आड़ में चंदा लेके पीआर एजेंसी चला के ब्रोकरी का काम करके जो उनको मिला है काम वो करें।
अरे वो तो कह रहे हैं कि आपके नेता उनको क्रेडिट दिया करते थे, कहते थे कि भाई इनके ज्ञान से ही, इनकी बुद्धि से ही हम फिर से सत्ता में आए हैं वापस। और 2015 का मुझे बाइट भी याद है, लालू प्रसाद जी ने किस तरीके से प्रशांत किशोर को क्रेडिट दिया था, आप शायद भूल रहे होंगे अर्जुन खान साहब। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को साथ लाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। 2015 में बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये नारा को हिट कराने में प्रशांत कुमार, प्रशांत किशोर जिन्हें आप प्रशांत किशोर पांडे बुला रहे हैं, उनकी भूमिका थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस समय ठीक थे, आप खराब हो गए। आप खराब इसलिए हो गए क्योंकि आपको लग रहा है कि 75 मुसलमान उम्मीदवार उतार रहे हैं चुनावी मैदान में। पंकज जी एकदम नहीं, पंकज जी डेमोक्रेटिक राइट है उनका, चुनाव कहीं से भी लड़े, अपनी पार्टी को स्थापित करे, लड़ाए, हमको हम उनको नहीं रोक सकते, उनका डेमोक्रेटिक ये अधिकार है, उसको हम छीन नहीं सकते, उनके अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते। दूसरी बात, 2012 में जो ये नारा बनाया था उन्होंने नीतीश कुमार के लिए बनाया था। नीतीश कुमार किसके सहयोगी थे? एनडीए के सहयोगी थे, कल भी और आज भी उनके सहयोगी हैं। 2015 में जरूर वो काम कर रहे थे, लेकिन वो भी काम कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए, ठीक है, हमारी महागठबंधन की सरकार थी। और अगर कोई चीज अगर कुछ कह दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? अरे आप पीआर एजेंसी चलाने वाले थे तो पीआर एजेंसी वाले को पैसा दिया जाता है, आपने एक तरह से ब्रोकरी का काम किया, दिमाग लगाया, जिस तरह से 2014 में भाजपा को लेके आए थे उसी तरीके से आप काम करते हैं, तो क्या बुराई है? अगर आपकी अगर थोड़ी सी अगर प्रसन्नता भी अगर कर दी जाए कि चलिए मैंने आपको पैसा अगर नीतीश कुमार जी ने दिया है, आपने उनके लिए काम किया है, तो ठीक है। लेकिन बुराई कुछ नहीं, आपके पास आते हैं अर्जुन खान साहब, अभी बहुत समय है, बहुत सवाल करेंगे आपसे। अरे आज के आप दूल्हे हैं, कल आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, तो हीरो आप ही हैं आज के, आपसे बहुत सवाल करेंगे हम। प्रदेश की जनता ने 2 बार राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी होने का जनादेश दिया, इसलिए जो दूल्हा है वो प्रदेश की जनता है। चलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने भले ही कहा हो कि कोई पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर पे जितना आप एग्रेसिव हैं उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जनता के बीच में आप क्या काउंटर करने जा रहे हैं। प्रीति लगातार आप आक्रमण कर रही हैं, आपकी पार्टी कर रही है, पर आपको एक ही लाइन में खारिज कर दिया जाता है, प्रशांत किशोर पांडे। क्या जनता के बीच में तेजस्वी यादव ये बताने जा रहे हैं कि ये पंडित ब्राह्मण जो कि पहले भी शोषित करता रहा समाज को, अब भी शोषित करेगा समाज को, ये अगड़ी जाति के हैं, इसलिए आप इनके चक्कर में मत आइएगा, इनको वोट मत दीजिएगा? क्योंकि बार बार आरजेडी के तरफ से ये कहा जाता है प्रशांत किशोर पांडे, मैं तो ये नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता हो, कोई हो, जब भी आप पीके की बात करिए वो पांडे लगाना नहीं भूलते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 सालों में गांव घूम घूम कर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पोल खोली है, अब तेजस्वी यादव जमीन पर उतर करके आपकी पोल खोलने जा रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप जो कहते हैं नौमी फेल, आप कहते हैं लालू प्रसाद से बेहतर कोई पिता नहीं हो सकता, क्योंकि नौमी फेल को वो उप मुख्यमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। आप कहती हैं अगर यादवों के नेता हैं तो कोई कॉम्पिटेंट यादव को क्यों नहीं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते हैं? आपके नेता कहते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ डराया जाता है, हम 75 टिकट देंगे, हम 75 उम्मीदवार उतारेंगे, 40 महिला उम्मीदवार उतारेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इन सारी बातों का जवाब देने तेजस्वी मैदान में उतर रहे हैं? और अब आपने जितना गांव घूम घूम करके कहा है तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार घूम करके आपको करारा जवाब देने जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? आपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि तेजस्वी यादव 2015 से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे, अभी उनकी लड़ाई जदयू और भाजपा से थी, लेकिन अचानक से अब उनको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार
आगे बढ़ रहे हैं, जन स्वराज की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो आप लगातार देख सकते हैं कि राजद की तरफ से किस तरीके से हमले भी बढ़ रहे हैं। तो ये सबूत है कि जन स्वराज जड़ पकड़ रहा है। और दूसरी बात, जो राजद की पार्टी, राजद और जो हमारे साथी बैठे हैं राजद के प्रवक्ता, उन्होंने कहा हमारे सूत्रधार प्रणेता प्रशांत किशोर जी के बारे में जो शब्द वो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही निराश करता है हमें कि आप जिस देश में लोकतंत्र है और वहां पे सबको अधिकार है कि वो सामने आकर जनता के लिए बात करे, जनता की बात रखे, और एक प्रयास जन स्वराज के प्रणेता के द्वारा किया जा रहा है, उन पर आप इस तरीके के तोहमत लगाते हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और दूसरी बात, जो आप यात्रा की बात कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि पहले किस तरीके से राजद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पत्र निकाला, पत्र निकाल करके अपने कार्यकर्ताओं को जन स्वराज से दूर रहने की बात कही। उसके बाद जब उससे काम नहीं बना, उन्होंने बार बार, आप लोगों ने निकाला वो फर्जी पत्र था, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जातिवादक आप लोगों ने निकाला वो फर्जी था। अच्छा बोलने दीजिए ना अर्जुन खान साहब, आपके पास आएंगे, आपके पास प्रॉपर समय होगा। आज फर्जी की बात आ रही है, लेकिन हम लगातार 2-3 महीने से देख रहे हैं कि राजद के प्रवक्ता उसको मान रहे हैं कि हाँ हमारे तरफ से ऐसा कहा गया था, हम क्यों ना रोके अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि प्रशांत किशोर जी हमारे जो साथी, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भड़काने की, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो आप सब मानते आए हैं, फिर आज आप ये कह रही है फर्जी है। अगर ऐसा फर्जी था तो आपको उसी दिन एक स्टेटमेंट भी जारी करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है, जो ये जो यात्रा, अचानक से यात्रा की बात आने लगी, अभी सारे वार इनके खत्म हो गए हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी जन स्वराज लोकप्रिय होते जा रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, इससे डर करके अब तेजस्वी यादव को जमीन पर उतरने की जरूरत पड़ गई है। तेजस्वी यादव को जमीन पर उतरने की जरूरत पड़ गई। विनय कुमार जी मेरे साथ हैं। विनय जी, आपको लग रहा है तेजस्वी यादव को लग रहा है कि जनता के बीच में जाने का सही समय आ गया है? तेजस्वी यादव को लग रहा है कि आरजेडी के बारे में नेगेटिविटी जितना फैलाया गया है उसका जवाब देने का मौका आ गया है? या तेजस्वी यादव को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में उसका आधार वोट बैंक उसके साथ उत्तर बिहार में खासतौर पर नहीं रहा, क्योंकि उत्तर बिहार में होता तो दरभंगा नहीं हारते, मधुबनी नहीं हारते, सुपौल नहीं हारते, यहाँ तक कि मधेपुरा नहीं हारते, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर हार नहीं होती। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आधार वोट बैंक भी फिसला है? दरअसल मुसलमानों को भी लगता है कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तेजस्वी की पार्टी में नहीं मिल रहा है। वो तकरीबन 18% है, 2 उम्मीदवार को टिकट मिलता है, ये भी उनकी नाराजगी की वजह है। फिर ये जाति जनगणना की बात करने वाले लोग जो ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उनके द्वारा कही हुई बातों में कोई दम नहीं है, और इनको लग रहा है कि उत्तर बिहार में खास तौर पर लोगों के बीच जाना जरूरी है, आधार वोट बैंक को मजबूत करना जरूरी है। विनय जी, पंकज जी, 2-3 बातें हैं। एक तो बात जो नाम को लेकर चल रहा है, तो लालू प्रसाद जी का भी नाम लालू प्रसाद है, और जब हम लोग जाते थे चारा घोटाला के सिलसिले में ज्वाइंट डायरेक्टर यूएन विश्वास के पास रिपोर्टिंग के सिलसिले में, तो हम लोग लालू यादव कहते थे, तो बार बार वो कहते थे नॉट लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव लिखा जाता उनके केस में तो केस का स्वरूप भी बिगड़ जाता, क्योंकि उनका नाम लालू प्रसाद है लेकिन हम लोग लालू यादव कहते हैं। तो नाम तो जो रजिस्टर्ड में दर्ज होता है वही नाम सबके लिए होता है, तो अगर प्रशांत किशोर का नाम प्रशांत किशोर रजिस्टर में दर्ज है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दर्ज है, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में दर्ज है, तो वही नाम वास्तविक नाम माना जाता है, वही नाम को लोग जानते हैं। हाँ, उनके पिताजी का नाम रहा होगा तो वो तो अलग बात है, उनके पिताजी दादा अलग अलग नाम और अलग अलग टाइटल लोगों का रहता है, तो ये अपना किशोर टाइटल रख लिए, हम लोग विनय कुमार लिखते हैं, कुमार टाइटल हम लोग लिखते हैं, तो ये नाम जो रजिस्टर्ड नाम होता है वही होता है, लेकिन चूंकि जातिगत रूप देना है बिहार की राजनीति को इसलिए ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, आधी हमारी बात एक जदयू के वरिष्ठ नेता से हो रही थी, उनका भी मानना था कि प्रशांत किशोर युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं,
और हर जगह जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहां युवाओं की अच्छी संख्या जुट रही है, तो एक निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर नया फोर्स होंगे। जदयू के बड़े वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, उनसे आज ही हमारी बात हुई, तो उनका भी ये मानना था कि नहीं, प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, युवा वर्ग उनकी तरफ देख रहे हैं। तो चुनौती जो है प्रशांत किशोर जदयू के लिए, आरजेडी के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जदयू का तो एक समर्थन आरजेडी के खिलाफ बीजेपी का भी है, बीजेपी जदयू ये गठजोड़ है, तो ऐसे में आरजेडी को अपना वोट बैंक बचाने के लिए, आरजेडी एक बड़ी ताकत बिहार में रही है और उस ताकत का सबसे बड़ा कारण रहा कि लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता रही। लालू प्रसाद यादव सर्वमान्य नेता रहे बिहार के, उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी, उनके समर्थक थे, तो लालू प्रसाद यादव का जो समर्थक वर्ग था उस वर्ग को बचाए रखने के लिए तेजस्वी को मैदान में जाना पड़ा है और उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा। रामविलास पासवान कहते थे कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, कुछ निर्णय नहीं लेने की स्थिति में हो, तो जनता के बीच जाना चाहिए, नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इसीलिए जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता जब तक नेता जनता के बीच जाएगा नहीं, जनता से मिलेगा नहीं, उनकी समस्याओं को समझेगा नहीं, नहीं, नहीं वो बात, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी, आपने बड़ी बात कह दी, चारों तरफ अंधेरा हो, डॉक्टर संजय कुमार ये चारों तरफ अंधेरा क्यों दिखाई पड़ने लगा? क्या नीतीश कुमार साथ छोड़ दिए इसलिए? क्या नीतीश जैसे ही साथ छोड़े चार पे आ गए? नीतीश ने साथ छोड़ा, चार पर पहुंच गए। क्या जो मंशा पाले हुए थे कि इस बार गायब कर देंगे बीजेपी को बिहार से और सरकार बनने नहीं देंगे, या ये बात तो सच दिखाई पड़ता है, नीतीश आए होते साथ में तो बीजेपी की हालत खराब होती? तो चारों तरफ अंधेरा क्यों दिखाई पड़ रहा है? 2020 में भी नीतीश आ गए 2017 में बीजेपी के साथ, 2020 में अंधेरा हो गया, 2024 में नीतीश आ गए साथ, क्या 2025 में भी चारों तरफ अंधेरा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी साथ आए, नीतीश कुमार साथ नहीं आए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक विकल्प की तलाश में बिहार के अंदर में छटपटाहट है। वो विकल्प कौन बनेंगे मुझे नहीं पता। राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के स्तर पर बनती थी और भटक करके जाति पर जाकर के ठहर जाती है, तो जातियों के खांचे में बना हुआ एक समाज जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी के प्रति वो वफादार होते हैं, तो मुद्दे गौण हो जाते हैं। और यही बिहार की विडंबना रही है। हम लोग इस पैनल में बैठे हुए सारे लोग बिहारी, ह्यूमन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट क्या है देख लीजिए, तो माना जाता है कि अगर बिहार के पास बड़ी आबादी है, यूरोप के कई देश इस बिहार में आ जाएंगे, जो 14 करोड़ आबादी हो गई है, बांग्लादेश का अभी आबादी 17 करोड़ है और बिहार की आबादी 14 करोड़ से ऊपर हो गई, अभी तो सेंसस हुआ नहीं। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो 36 राज्य हैं इस देश के, उसमें आप 36वें पायदान पर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दसवां छोड़ दीजिए, जो सबसे अंतिम है वहां आप हैं। शिक्षा में आपके अंक 32 है, मतलब पास करने के लिए अगर 33 अंक चाहिए वो भी नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो कोलैप्स हो गया है, वहां डिग्रियां बढ़ती है, बच्चे नामांकन लेते हैं, परीक्षा होती है, उनको रिजल्ट दे दिया जाता है और एक सरकार दावा करती है कि इतने हमारे ग्रेजुएट हुए, इतने पोस्ट ग्रेजुएट हुए। चले जाइए पटना विश्वविद्यालय में वो, भी वो एकदम आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। आप कह रहे हैं विकल्प की तलाश में है, विकल्प क्या प्रशांत किशोर में दिख रहा है या तेजस्वी यादव में दिख रहा है? नहीं, ना मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, ना मैं तेजस्वी जी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक छटपटाहट है जिसका एक छोटा सा टेलर आपको दिखाई पड़ा रुपौली में। वहां एनडीए के भी कैंडिडेट थे, इंडिया के भी कैंडिडेट थे, लोगों ने किसको चुना? उस शंकर सिंह को चुना जो लगातार 2005 के बाद से संघर्ष कर रहे थे और चुनाव हार रहे थे।
महिलाएं आपको एनिमिक मिल जाएगी, इस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने अगर मुद्दों की बात सोसाइटी में की है और अगर तेजस्वी ने भी कभी मुद्दों की बात 2020 में की थी तो अब मुद्दा सूट कर रहा है। उन्होंने कहा ना कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लोगों ने भरोसा किया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के वो आ गए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का ये दो इंडेक्स है जिसमें 60 साल के बाद महिलाएं झुक जा रही हैं क्योंकि ना उनको कैल्शियम मिल पा रहा है ना फॉलिक एसिड मिल पा रहा है, वो एनिमिक लड़कियां जो 14 साल में जैसे ही वो मेंसुरल पीरियड में जाती हैं उनके शरीर का हीमोग्लोबिन देख लीजिए, बच्चे का विकास जो 6 साल में उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, वो बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के इसलिए हो रहे हैं कि न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल रहा। ये उसकी थाली में जब चावल मिलते रहेगी और 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे होगा, 34% आमदनी मल परसेंट लोगों को प्रति व्यक्ति आय 6000 से कम होगा साल में, आप कल्पना कीजिए कि क्या कौन सा ह्यूमन इंडेक्स में हम लोग आएंगे भाई, हेल्थ में या एजुकेशन में। नहीं, वो सारी बात सही है, वो सारी बात सही है। 33 साल से चाचा भतीजा ही है ना, 33 साल से यही लोग है ना, ये बात भी तो उठती है, ये बात भी तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। दरअसल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर संजय, थोड़ा स्पेसिफिक सवाल मैं कर रहा हूं, क्या ये यात्रा के पीछे मकसद क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि अभी तो 250 से ज्यादा चुनावी प्रचार तेजस्वी यादव ने किया, बड़ी तारीफ हुई थी, 4 पर सिमट करके रह गए लोकसभा चुनाव में, क्या विधानसभा चुनाव में फिर से यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे बिहार की यात्रा निकाल रहे हैं? क्या जातिगत समीकरण साधना है या उन बातों का जवाब देना है जो प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से गांव गांव में घूम कर कर रहे हैं, या ये बताना है कि नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने सरकार बनाई थी वो नीतीश कुमार ऑपर्चुनिस्ट हैं, इधर उधर करते रहते हैं, उद्देश्य क्या है, हम ये समझना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए चुनाव के परिणाम से मैं नेता के कद को मेजर नहीं करता। ठीक है वो गए घूमे, 250 सभाएं की, उनके हिस्से में 4 ही सीटें आई, उससे उनका कद छोटा और बड़ा होने की बात मैं नहीं करता हूं। चुनाव जीतना अलग बात है और एक जनता के बीच में स्वीकारिता अलग पार्ट है। प्रशांत किशोर के बाद अगर तेजस्वी यादव 15 अगस्त से निकल रहे यात्रा पर, सारी पार्टी के लोगों को यात्रा पर जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने लोगों को, भाई उनका भी तो एक समर्थक वर्ग है, और वो समर्थक वर्ग के बीच में कौन सी बातें करेंगे? प्रशांत किशोर ने तो बिहार के जो जमीनी हकीकत है उसको गांव में बताया। प्रशांत किशोर कौन सा एश्योरेंस देंगे, सॉरी तेजस्वी यादव, कि नहीं प्रशांत किशोर जी मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन हम उस मुद्दे को एग्जीक्यूट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब यात्रा के माध्यम से जरा उनकी एक दो जनसभाओं को सुन तो लें हम, कि तेजस्वी यादव अपने यात्रा नहीं, के माध्यम वो बात बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुन लेते हैं उनकी बात। मैं अर्जुन खान जी से यही पूछ रहा था, पहला सवाल ही मैंने शुरू किया था। दरअसल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे नहीं होता है, पॉलिटिक्स में यात्रा होती है तो ठीक है आप नाम दे दीजिए, जैसे राहुल गांधी ने तिरंगा यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, लेकिन उसका एक पर्पस था ना। मैं उसी तरीके से अर्जुन खान जी से मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप पूर्णिया हार गए, रुपौली हार गए, दोनों जगह तीसरे नंबर पर चले गए, आपके साथ से अल्पसंख्यक भी दूर जा रहा है, उसको अगर विकल्प दिखाई पड़ रहा है तो आपका यादव भी साथ जा रहा है, आपने बीमा भारती को टिकट दिया, अति पिछड़ा भी आपके साथ नहीं आया, अगड़ा भी नहीं जुड़ रहा है, जो आपका आधार वोट बैंक है माई मुस्लिम यादव कुशवाहा तो आपको जोड़ लिए लेकिन मुस्लिम यादव ही छिटकने लग रहे हैं, क्या ये आपको वरी कर रहा है, क्या ये आपकी परेशानी बढ़ा रहा है, क्या ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आखिरकार ये जो एरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसको तो आप ठीक करना चाहेंगे ना, चुनाव में परिणाम आपके मन मुताबिक हो इसके लिए आप प्रयास करेंगे ना। दरअसल क्या ये यही प्रयास है? आपके साथ पूर्णिया में यादव भी नहीं आया, मुसलमान भी नहीं आया, रुपौली में भी यही स्थिति हुई, कोई नहीं आया, क्या करने निकल रहे हैं जरा इस पे स्पेसिफिकली बताइए।
देखिए, मैं हमेशा से मैं शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये यात्रा जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की तरफ से होते आई है। ये कोई नई चीज नहीं है, नई चीज हो सकता है कुछ मीडिया के लिए हो, ये हमेशा से आई है। जो 250 उन्होंने जो सभाएं की, जो उसकी बात हो रही है, और उसके बाद जो है हम 0 से 4 पे गए हैं, और हमारा जो वोट प्रतिशत है वो 10% बढ़ा है। इस चीज का भी आप आकलन कर लीजिए अच्छे से। हाँ, ये जरूर है कि 4 से और ज्यादा सीटें हमको आनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, लेकिन हमारा इंक्रीज हुआ है इलेक्शन वोट में, जो है हमारा इजाफा हुआ है 10% का। रही बात, आप रुपौली की बात कर रहे हैं और पूर्णिया की बात कर रहे हैं, तो रुपौली की मैं बता दूं कि रुपौली में जिस हम लोग हमने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था बीमा भारती जी को, या विधानसभा में और लोकसभा दोनों में, तो वो आप ये जान जाइए कि उसको वो जो थी जनता दल यूनाइटेड में थी, जनता दल यूनाइटेड की मंत्री भी रह चुकी थी, और उनको जब जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिया तो हमने उनको अपने साथ में लेके आया उनके मंशा पे, और हम लोगों ने उनको टिकट देने का काम किया कि उनका भी सम्मान रहे। लेकिन वहां की जनता जो है न इंडिपेंडेंट के पास गई, न वो राष्ट्रीय जनता दल के पास गई, न जदयू के पास गई। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे खेल हैं। वो खेल है कि एक अति पिछड़ा के बेटा को और बेटी को कैसे अपमानित किया गया, कि कौन कौन लोग शरीक थे, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार के बड़े बड़े मंत्री जो वहां के स्थानीय मंत्री थे, वो खुद जो है उसमें संलिप्त थे। आपको ये चीज भी जान लेनी चाहिए थी। अब रही तीसरी बात, हम आपकी हम बात हमेशा को, ये लेकिन कहते आ रहे हैं कि जनता ने आपको तीसरे नंबर पर भेज दिया ना, लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तो विधानसभा मैं ये चुनाव भी तक में अगर अब अपमानित तो मैं किया ये गया जो आप कह रहे हैं, तो जनता से जी, आपको समर्थन नहीं मिला ना। सवाल तो उठ रहा आपको है, मैं ये भी आरजू सोच खान जी पंकज यही जी, बात, पंकज यही जी बात मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप स्ट्रेट बोले। आपके साथ हिना साहब नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले प्लीज, आप जवाब दीजिएगा, आपको मैं समय दे रहा हूं। हिना साहब नहीं है आपके साथ, आपने उनसे मिलने का प्रयास किया, उनको साधने का प्रयास किया, आप टिकट नहीं दे पाए लोकसभा चुनाव में, और आपको लग रहा था कुछ हो मुस्लिम यादव तो हमारे साथ है ही। ये प्रशांत किशोर की एंट्री ने आपकी परेशानी बढ़ा दी है, या लोकसभा चुनाव का परिणाम आपकी परेशानी बढ़ा दिया है? परेशान तो आप हैं, क्योंकि हिना साहब से मिलना, पुराने ऐसे लोग जो आपका साथ छोड़ के चले गए, विश्वास मत के दौरान जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, उनके लिए भी आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि वो पास आ जाएं तो हम उनको साथ ले लेंगे, चाहे अनंत सिंह की पत्नी हो, चाहे सूरज गढ़ा से प्रहलाद यादव हो, और इस तरह के कई नेता हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आप अपना जातिगत समीकरण साधना चाह रहे हैं, और इसलिए आपके नेता जमीन पर उतर रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है क्या? देख लीजिए, देखिए आप इसको, आप किसी भी तरीके से आप इसको प्रचारित और प्रसारित कर देंगे, आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है। हम साफ कह रहे हैं कि हम हमेशा से यात्राएं करते रहे हैं हमारे नेता जो है, और ये पर यात्रा यात्रा उसी तरह कोई का एक पूरी नहीं रूटीन की है। है, पर यात्रा कोई पूरी मैं नहीं की है खान साहब। जो आदमी 250 सफा करता है और उसकी बैकबोन की जो है, बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद वो अगर चाहते हैं कि हम जाएंगे अपने लोगों से मिलेंगे, तो इस पे आपत्ति क्या है? और दूसरी बात, हिना साहब की जो आपने बात की, हिना साहब को लगातार हमने हारने के बावजूद भी 2 बार 3 बार टिकट देने का काम किया है। ठीक है, हमारी कुछ चीजें हो सकती हैं कि कुछ हमारे घरेलू कुछ मामले इधर उधर हो गए हो, लेकिन घर का मामला है, हम लोगों ने बैठ के अगर उसको संभालने की बात की, बैठ के समझाने की बात की, तो इसमें क्या बुराई किया, ये सब कर सकता है। और ये आप कैसे कह दे रहे हैं कि फला वोट छिटक गया, फला वोट छिटक गया है, ये 2024 का इलेक्शन के बाद, लोकसभा के बाद एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है, और इस परसेप्शन में कहीं ना कहीं जो है वो प्रशांत किशोर भी है, क्योंकि आप देख लीजिए, ये पहले तो ये एक परसेप्शन फैलाया गया कि मुसलमान उनका वोट खिसक गया, यादव वोट खिसक गया है, और प्रशांत किशोर जी आते हैं आनंद फानंद में 72-75 टिकट देने की बात करते हैं, तो मैं तो उनका बहुत स्वागत करूंगा। इसी तरीके से वो जो 70-75 मुसलमानों को, जो अल्पसंख्यकों को जो टिकट देने की बात कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दें। अगर अगर उनको इतनी छटपटाहट है, उतनी परेशानी है परसेप्शन फैलाने में, तो करें। हम तो हमेशा की तरह हम बता रहे हैं कि हमारा ग्राफ नीचे कहाँ गिरा, हमारा 10% जो है वोट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, इस चीज को आप समझिए। वो और 75 दो बार दे जो रहे हैं नीतीश तो आप कुमार, कितना दीजिएगा? वो हम 75 दे हमेशा से रहे हैं तो देते आप आए कितना हैं, दीजिएगा? आप भी बता दीजिए हम जनता को। हमेशा से देते आए हैं। ये नंबर गेमिंग काम जनसुराज पे छोड़ दीजिए, जनसुराज वालों पे ये नंबर गेम का काम छोड़ दीजिए। हम हमेशा से देते आए हैं, देंगे। और अभी हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो है मीटिंग हुआ था,
बैठक हुई थी उसमें हमारे नेता ने कह भी दिया कि अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलेगी सरकार बनते ही, जैसी हमारी सरकार आएगी उचित भागीदारी मिलाएगी, ये आश्वासन जबरदस्त आश्वासन है। उसके बाद भी अगर कोई कुछ भी करे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रही प्रशांत किशोर की बात, तो हम तो शुरू से कहते आए हैं प्रशांत किशोर दुनिया से नहीं छुपा है, सब जानते हैं देश में कि पीआर एजेंसी चलाते थे, पैसा लेते थे, ब्रोकर का काम करते थे, ये कहां गलत है? अब बताइए ना इस चीज को। अरे तो तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेट खेलते थे भाई, तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेट खेलते थे, तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेट खेलते थे खान साहब। ठीक है, वो क्रिकेट खेलते थे ना, देश के लिए खेलना चाहते थे ना, खेले ये भी जिस तरीके से खेलना चाहते हैं। अब ये तो क्या करेगी, ये जनता के ऊपर है ना, जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए, इसको बहस का मुद्दा क्या बनाना है, जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए। नहीं, बहस का मुद्दा, बहस का मुद्दा प्रीति आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर संजय, क्या ये बहस का मुद्दा नहीं है कि सीमांचल में जहां मुसलमानों की संख्या 50% के आसपास है, 50% के आसपास है सीमांचल में, सीमांचल में जहां कहीं भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को विकल्प मिलता है वोट करने चला जाता है, और एक नहीं दो दो चुनाव में तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फेल होते हैं। तेजस्वी पूर्णिया में ये तक बोल जाते हैं कि अगर बीमा को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन तब भी पप्पू यादव जीत जाते हैं। फिर विधानसभा चुनाव में अपने ही सीट से बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली जाती, कहीं कॉन्टेस्ट में दिखाई नहीं पड़ती। क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको डॉक्टर संजय कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक वैकल्पिक राजनीति तैयार करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं छटपटाहट है, एनडीए में भी है, महागठबंधन में भी है, ये दोनों पार्टियां लगी हुई है कि ज्यादा नुकसान हमको ना हो उनको। महागठबंधन कहती है एनडीए को होगा, एनडीए कहती है महागठबंधन को होगा, लेकिन तकलीफ दोनों को है। नहीं ठीक है, वो तो परिणाम आएगा तो चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन हाँ सीमांचल में आरजेडी की ताकत खिसकी है, किशनगंज और कटिहार की सीट इंडिया गठबंधन इसलिए जीतती है कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, चाहे वो तारिक साहब हो या वहां पर किशनगंज की सीट हो जो पहले भी कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीते थे, और अशफाक करीम साहब को तो अश्योर किया गया था कि हम आपको लड़ाएंगे, उनको पैदल कर दिया गया, वो जेडीयू में चले गए। यही बात तो नाराजगी का कारण है, वो वैसे ही जाते हैं और 5-5 सीटें वहां जीत जाते हैं। तो सीमांचल में दरका है वो जो, और आपने जो कहा विकल्प की बात, विकल्प के रूप में कांग्रेस मिला है कर्नाटक और तेलंगाना में, देख लीजिए मजबूती के साथ जो मुस्लिम समाज है वो कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है, वो दिखता है, परिणाम में भी दिखता है। तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा। आपने 2 सीटों पर लड़ाया, एक अररिया लड़ाया, 1 सीट और लड़ाया, परिणाम आपके हिस्से में क्या आया? वही तो एक पीड़ा तो है, ठीक है वो तो अपनी पार्टी का है, अर्जुन खान साहब उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं हमारा वोट इंटैक्ट है, हमारे लोग संजय जी ये भी समझने की जरूरत है, संजय जी ये भी समझने की जरूरत है कि वो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार रह चुकी थी और कई बारों से बीमा भारती जी जनता दल यूनाइटेड के बैनर से जीतती थी, अगर उनको जनता दल यूनाइटेड ने किनारा किया तो उनका ये खुद का भी माइनस पॉइंट हो सकता है, आप उसको पार्टी से जोड़ते हैं, ये आपकी अपनी विश्वसनीयता है। ठीक है अर्जुन जी, मैं समझता हूँ राजनीति को, तो मेरा कहना है कि अररिया की सीट ये नहीं जीत पाते, और यही माइनॉरिटी में एक सवाल था कि अगर जिसकी जिसकी संख्या भारी की बात आप करते हैं तो 18% हमारी आबादी, हमारे हिस्से में 2 सीट देते हैं आप, ठीक है वो लोग विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा कितनी सीटें मिलती हैं इनको, तो वहां पर एक नाराजगी है और कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म दे रही है। देखिए कांग्रेस दे रही है, पर यहाँ कांग्रेस आरजेडी तो साथ लड़ेगी, क्या वो प्लेटफॉर्म प्रशांत किशोर देने लगे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे ही ये बात करते हैं 75 सीट पे हम चुनाव लड़ाएंगे, आरजेडी सबसे ज्यादा दबाव में होती है, क्योंकि आरजेडी मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है कि मुसलमान जाएंगे कहां, और इसलिए आरजेडी सबसे ज्यादा दबाव में होती है। वक्फ संशोधन बिल पर सदन में जेडीयू समर्थन करती है, बाद में जेपीसी की बात करने लगती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं
जो 12-13% भी वोट मिला है उसमें भी दिक्कत हो जाएगी, जो लोकसभा में वोट मिला है। तो क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है? मैं वही कह रहा हूं, और सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, अगर यादव साथ दिए होते, यादव भी साथ दिए होते, तो क्या अशोक यादव जीत जाते? क्या लगातार जीत रहे? सवाल यह उठ रहा है, सवाल यह उठ रहा है कि झंझारपुर में VIP आरती क्या? सवाल यह उठ रहा है कि जो मंत्री थे HRD मिनिस्टर, जिनको लड़ाया गया था RJD के टिकट पर, उनकी हार होती क्या? मधुबनी हार गए, दरभंगा हार गए, झंझारपुर हार गए, सुपौल हार गए, सहरसा हार गए, पूर्णिया हार गए, अररिया हार गए, सब हार गए। नहीं, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं कि मधुबनी और अररिया दो ही सीट जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी को RJD देती है और वो दोनों सीट आप हार जाते हैं। मध्यपुरा की सभा में, प्रशांत किशोर की सभा में यादव की संख्या कितनी थी आप इसको देख सकते हैं। ये सच्चाई को कभी कभी स्वीकार करना होगा। वो भीड़ वोट देगी नहीं देगी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इस सच्चाई को मैं बिल्कुल बड़ी स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि माइनॉरिटी को अगर विकल्प मिलता है, चाहे वो विकल्प कांग्रेस के रूप में मिले, चाहे वो विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से मिले, तो ये जो आपके सवाल हैं कि जो टेकन फॉर ग्रांटेड RJD मानती थी वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहेगा। और अभी तो देखिए ना, सारण में ही तो स्नातक से एक मुस्लिम कैंडिडेट को प्रशांत किशोर जी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत करके आ गए। ठीक है, वो पहले कहीं किसी और पार्टी में थे, लेकिन जब उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी का प्लेटफॉर्म पकड़ा, परिणाम आया। तो इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हाँ एक विकल्प की छटपटाहट वहां भी है कि आखिर हमारे वोट का तो लाभ आपको मिल जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन की बात होती है, उस समय हमें RJD पार्टिसिपेशन क्यों नहीं दे पाती है, ये एक छटपटाहट है। इस सच्चाई को अब आरजू जी चुकी RJD के स्पोक्स पर्सन है तो ये तो कहेंगे कि नहीं पूरा इंटैक्ट है, हम लोग किसी के आने जाने बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति भले ही आपके नेता प्रशांत किशोर पांडे के नाम से अब चर्चित हो, खासतौर पर RJD खूब पांडे कर रही है, पर क्या आप बिहार की राजनीति का वो नब्ज पकड़ने लगी हैं जिससे RJD भी विचलित है और JDU भी विचलित है? जन सुराज बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, रोजगार कितने मिल रहे हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहा है और जनता अब समझने लगी है कि उनके लिए क्या जरूरी है। इसलिए अब छटपटाहट जो है राजद खेमे में साफ दिख रही है, रोज नए बयान आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पर निजी हमले किए जा रहे हैं बार बार, जो यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हैं राजद प्रवक्ता, बार बार जो प्रशांत किशोर जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि 2015 में लालू प्रसाद खुद जाकर प्रशांत किशोर जी से सलाह ले रहे थे, उनको इनकी जरूरत पड़ी थी। और आज जब प्रशांत किशोर जी कुछ करना चाह रहे हैं बिहार के लिए, तो इन्हें बेचैनी हो रही है। प्रशांत किशोर जी बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो कार्य वो 10 साल कर रहे थे, जिससे उनको ये प्रसिद्धि मिली है, उस काम को नीति नहीं बना रहे थे। आप इस चीज को पहले क्लियर कर लीजिए, आप इस चीज को प्रीति जी जान जाइए कि ये अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ आरजू साहब, आपसे पूरा जवाब लूंगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार प्रशांत किशोर जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो काम वो पिछले 10 साल से कर रहे थे, उनको ये आभास हुआ, उनको ये पता लगा कि मैं तो नेताओं को जिता देता हूँ, लेकिन नेता जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसकी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर जी की नहीं। और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ ऐसा काम भी किया है जिससे जनता की हानि हुई है, जनता का नुकसान हुआ है। आज वो जो कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए। शुरुआत है बिहार से, लेकिन ये कारवा आगे भी बढ़ेगा। और जनता एक, 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 एक आरोप लगता है आपके ऊपर कि जितने रिटायर्ड लोग जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उस सबको आप जगह दे करके पॉलिटिक्स में आपने काम दे दिया। सारे वैसे असफल लोग या सारे वैसे महत्वाकांक्षी लोग जिनको ना NDA में जगह मिल रही थी ना महागठबंधन में काम मिल रहा था, इसलिए अब आप उनको काम पकड़ाने लगे हैं, इसलिए उनमें उत्साह आ गया है।
और आपके लिए गली चौराहे चौक चौराहे पर लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप केवल एक वोट कटवा के रूप में देखे जाइएगा, जनता आपको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेगी। आरोप तो हर चीज पे लगाया जा रहा है ना, प्रशांत किशोर जी के काम पे, प्रशांत किशोर जी के जाति पे, प्रशांत किशोर जी के साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं, किस चीज पे आरोप नहीं लगाया जा रहा है? प्रशांत किशोर जी बिहार में कंपनी चला रहे हैं, तो ये तो बस आरोप है। कैसे भी करके परसेप्शन बनाया जाए कि प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं वो बिहार के हित में नहीं है, और जनता किसी भी सूरत में इनकी बातों में अब आने वाली नहीं है। आज जो ये प्रवक्ता बात, आज जो राजद के प्रवक्ता आरजू जी जो ये बात रख रहे हैं कि कल से तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी कोई खबर हमें नहीं है कि आरोपी गिरफ्तार हुआ है कि नहीं। क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको मुजफ्फरपुर नहीं जाना चाहिए था? पूरी पीड़ित परिवार से मिलना नहीं चाहिए था? आप पूछिए इनसे कि इन्होंने जो पिछले दिनों जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के राजद ने क्या कदम उठाए? तो ये जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर इनके तरफ से कोई बयान, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या जनता से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं जो आप उठाने जा रहे हैं यात्रा के दरमियान? आरजू खान जी, कोई विचार विमर्श में ये तो तय हुआ होगा कि इन इन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर जनता को ठग रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट जनता को ठग रही है, क्या बताइएगा? देखिए, आप प्रशांत किशोर जी को बात बीच बीच में लेके आ जा रहे हैं कि हम उनके वजह से अगर यात्रा कर रहे हैं, तो ये पहले परसेप्शन है। मैं इसको एकदम क्लियर कर दूं, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, हमारे नेता हमेशा से जनता के बीच में जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके लिए कुछ न कुछ सोच के उसका हल निकालते हैं, ये उसके लिए जा रहे हैं। और रही बात कि आपके मुद्दे क्या है, तो हमारे मुद्दे हमेशा से रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा, कमाई, महंगाई, हम उसी पे बात करते हैं और उसी पे हम बात करेंगे। इससे बड़ा कुछ मुद्दा बिहार का नहीं हो सकता। जिस तरीके से डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि हम हंगर इंडेक्स में पीछे हैं, 94 लाख जो है, फिर वो डॉक्टर संजय कुमार हैं, आप उनको संजय सिंह क्यों? ठीक है डॉक्टर संजय कुमार जी, सॉरी डॉक्टर संजय कुमार जी, वो प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर की तरह आपको राजनीति में अभी चुनौती नहीं दे रहे हैं जो आप उनको सिंह बना रहे हैं। आप इसको किसी भी तरीके से ले जाइए, ये बताइए कि क्या कोई अपनी पहचान छुपा सकता है? और अगर जो पहचान अपनी छुपाता है वो चीट फंड कंपनी का मालिक होता है। और आपने जो कहा कि एक भीड़ लगी है ना प्रशांत किशोर पांडे जी के सामने, तो मैंने सुना है प्रीति जी क्या उसको सही क्लियर कर पाएंगी कि जिस तरह से चीट फंड कंपनियां आती है, अपने लेफ्ट और राइट में एक विंग खड़ा करती है, कहती है कि मेरे नीचे 5 लोग को जोड़िए, उसके नीचे फिर 5, फिर लेफ्ट में 5 जोड़िए, फिर उसके नीचे 5, तो इस हिसाब से आपको जो है सैलरी मिलेगी, इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट में इतने से इतना इजाफा हो जाएगा। तो क्या ये चीजें खैर गलत हैं? ये क्या इनकी पार्टी नहीं कर रही है? ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग जी, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, नेटवर्क, वो चिट फंड ही होता है। बाद में वो भाग जाती है, वो कंपनियां बाद में भाग जाती है, विड्रॉ कर देती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैंने चिट फंड कंपनी कहा, नेटवर्किंग मार्केटिंग आए, सपने दिखाते हैं BMW देने के। आप बताइए किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्या पेड़ होता है? लेकिन इनके पार्टी में कार्यकर्ता पेड़ हो रहे हैं। नहीं, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी, आप और राजद और भाजपा और जदयू, तीन पार्टियां 33-34 साल से सरकार में है बिहार। किसी भी सर्वे कराने पर जो रिपोर्ट आता है, बिहार नीचे से पहले या दूसरे नंबर पर खड़ा मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी जनता से वादे कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी, रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, तो वो चीट फंड के वादे कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि आप पिछले 35 साल में बिहार को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था देने में, चलिए डॉक्टर संजय फाइनल जवाब आपसे मेरा ये है, क्या आपको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा में प्रशांत किशोर भी बड़ा मुद्दा होंगे? नहीं, मुझे वैसा नहीं लगता है। यात्रा करने का अधिकार सारे लोगों को है और जाना चाहिए। लोग के बीच में जब जाएंगे, चाहे पार्टी जो हो, और उनको चुनावी राजनीति में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन उन पार्टियों को है, तो प्रशांत किशोर की वजह से क्या? मल्टी पार्टी सिस्टम है आपके डेमोक्रेसी में। प्रशांत किशोर जी भी अपनी बात कर रहे हैं,
कल तेजस्वी जी जाएंगे जनता के बीच में, वो भी अपनी बात करेंगे। तो जनता के बीच में नेता जाएंगे और जनता के साथ उनका संवाद होगा, मैं इसको एक सकारात्मक मानता हूँ। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, कल से यात्रा शुरू हो ही रही है। अर्जुन खान जी, आपको हम मुबारकबाद दे दें, बेस्ट ऑफ लक कह दें, और मुझे लगता है कि ये यात्रा भी सफल होगी। समय की सीमा खत्म हो रही है, दूसरा शो शुरू होगा। अर्जुन जी, हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। तो बिहार की बात में अर्जुन खान साहब आपका, प्रीति जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।